गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आयुष पुरोहित फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुड़गांव एंड टुडे वी विल स्टडी हिस्ट्री बुक नेम आवर पास्ट। स्टूडेंट्स, अभी तक हम इस बुक के 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उनके नेम है चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, देन चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, देन आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जो है गैदरिंग फ्रॉम ग्रोइंग फूड। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। न्यू एक लड़का है जो अपने घर में अपना फेवरेट फूड खा रहा है, बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन एंड बीन्स एंड मीट। और उसकी ग्रादीमा जो ये सब सादा फूड है, जो सारी फूडिंग है, ये सभी अपने घर के बैकयार्ड में उगाती है। उसकी दादी माँ को वो रिमेंबर करती है कि जब वो मध्य प्रदेश में थे अपने स्कूल की एक ट्रिप में, वहाँ पर जो फूड था वो बहुत ही हॉट और स्पाइसी था। वैराइटीज़ ऑफ फूड, ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि जो न्यू है वो शायद एक चाइनीज़ लड़का है और चाइना वाले लोग कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। जब वो इंडिया में थे अपने स्कूल की एक ट्रिप में मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने एक इंडियन फूड खाया होगा। इंडियंस को काफ़ी हॉट एंड स्पाइसी फूड पसंद होते हैं, सो इसीलिए उन्हें हमारे यहाँ का जो फूड है हॉट और स्पाइसी लगा। अब हम बात करते हैं वैराइटीज़ ऑफ फूड्स की। टुडे द मोस्ट ऑफ द फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क, मीट कम फ्रॉम द प्लांट्स दैट ग्रोन एंड एनिमल दैट आर रियर्ड। जो प्लांट्स हैं, ये जो काफ़ी सारा जो फूड है, ये तो वो प्लांट्स से आता है या एनिमल से हमें प्राप्त करता है। ये सभी फ्रूट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो होते हैं और इनको ग्रो होने के लिए डिफरेंट कंडीशंस चाहिए। सपोज़ करें, मैं फॉर एग्जांपल आपको राइस जो है उसको ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है। इनके सब हम बारले और वीट की बात करें तो हमें इतनी ज़्यादा वाटर की आवश्यकता नीड नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इन द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। हमने चैप्टर नंबर 2 पे बात की थी किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फूड चेंज हो रहा है, लोगों ने अपना चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। अब उन्हें पता चल गया था कि चीज़ों के एडिबल पार्ट्स कौन से हैं और अब उन एडिबल पार्ट्स को खाने लग गए थे, उन्हें ढूंढने लग गए थे और उन्हें प्लांट्स के ग्रो करने का और उनके राइपिंग का सभी प्रकार की चीज़ों को उन्हें पता लगा लिया था। और मैन और वुमेन अब इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते थे, अब उन्हें परमानेंट सेटलमेंट्स में रहना शुरू कर दिया था। अब उनने जो सबसे पहला काम किया, जब वो परमानेंट सेटलमेंट रहने लगे, जब आप एक परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगते हो तो आपको सबसे जो बेसिक नीड, पहली नीड होती है, आपको नीड होती है हाउस की, और देन आपको जो नीड होती है आपको फूड की। फूड जो आपको कलेक्ट करके रखना पड़ता है। अगर आप एक परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं तो आपको फूड गैदर्ड करके रखना पड़ता है। फूड अगर आप गैदरिंग करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत होगी और उसकी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होगी फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने सबसे पहले हमारे डॉग जो एक एनिमल है उसे पैट एनिमल बनाया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डॉग जो है काफ़ी वफादार होता है, काफ़ी लॉयल होता है, और आप एक बार आपने उसे खाना दे दिया या उसको उसकी हेल्प कर दी या वो उसके लिए आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि वो आपसे अटैच हो जाए, तो देन वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और अनदर रीज़न इज़ दैट कि डॉग उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है कंपैरेटिवली अदर एनिमल्स। देन आफ्टर उन्होंने शीप, गोट, कैटल्स, पिग, इन सभी एनिमल्स को पेट बनाया और उन्हें डोमेस्टिकेशन शुरू किया। जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन किया तब उन्हें पता चला कि जो कौन से एनिमल्स को पैट बनाया जा सकता है, कौन से एनिमल्स को पैट नहीं बनाया जा सकता है, किन एनिमल्स को पैट बनाने से फ़ायदा होगा, किन एनिमल्स को पैट बनाना इजी नहीं है, कौन वाइल्ड एनिमल्स हैं, किन को वो पैट बना के डोमेस्टिक एनिमल्स बना सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों के करने से बहुत सारी चीज़ें हुई और कंडीशंस वगैरह चेंज हुई और उन्होंने डेवलप कर लिया अ न्यू वे ऑफ लाइफ।
जो उन लोगों ने इन सभी चीज़ों के बाद जो डेवलप किया है वो था एक न्यू वे ऑफ लाइफ, जिस वे में उनको ज़रूरत थी सीड की, फूड की, गिफ्ट्स की और फाइनली स्टोर्ड फूड की। यानी कि अगर आप परमानेंट सेटल में रहते हैं, अगर आप एक ऐसे सेटलमेंट में रहते हैं जो कि परमानेंट सेटलमेंट है, यानी कि जहाँ से आपको लोकेशन चेंज नहीं करनी है, आपको परमानेंटली वहीं पे रहना है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेसिक नीड होगी वो होगी आपकी, फर्स्ट जो बेसिक नीड होगी आपकी वो होगी हाउस की, सेकंड जो बेसिक नीड होगी वो आपकी होगी फूड की। अब फूड को क्योंकि अगर आप क्योंकि आप एक परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं तो आपको फूड स्टोर करके रखना पड़ेगा, यू हैव टू स्टोर फूड। If you plant a seed, you will notice it takes some time to grow. अगर आप एक सीड को प्लांट करते हैं तो आपको पता होगा एक थोड़े टाइम में ग्रो, समटाइम्स में ये ग्रो होता है, कुछ सम अब इसको ग्रो होने में मंथ वीक भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं और इन सम केसेस ईयर भी लग सकते हैं। अगर आपने एक क्रॉप्स को गोया है प्लांटिंग क्रॉप्स को गोया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल वीट बार्ले, तो ये जो क्रॉप्स थी उस टाइम पे काफ़ी इजीली हो जाती, इजीली अवेलेबल थी और काफ़ी जल्दी हो जाती थी। अगर आपने एक ट्री को अगर आपने प्लांट किया है तो जो ट्री का जो सीड है वो आपको फुली ट्री बनने में काफ़ी ईयर लगेगा। तो इस केस में आपके जो चीज़ है जो आपने बोया है, जो आपने सीड किया है, उसको प्लांट होने में फुली उसे फ्रूटफुल होने में बहुत ज़्यादा सब टाइम लगेगा, तो वो टाइम आपका इन ईयर्स में हो सकता है। स्टोरिंग एनिमल्स, जब आप एक परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं, जब आप परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं तो आपको एनिमल्स को स्टोर करने की नीड भी होती है, एनिमल्स जो आपके लिए यूज़फुल होंगे, जिनसे आपको फूड मीट और वो चीज़ मिलेंगी, वो सभी चीज़ मिलेंगी जो रिक्वायर्ड होंगी। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हेडर्स, सबसे पहले फार्मर्स और हेडर्स के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यू विल नोटिस द अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स इन ईच मार्क्स एंड साइट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस क्लियरली फार्मर्स हेडर्स। सो स्टूडेंट्स, आप ये जो ब्लू वाला मार्क देख रहे हैं, बरजुम, मेहरगढ़, चिरांद, ये सभी वो एरियाज हैं जो न्योलिथिक साइट्स में आते थे। न्योलिथिक साइट्स में आते थे मींस वो साइट्स जो ब्लू डॉट्स की बात हम कर रहे थे, जहाँ पर सेटलमेंट्स हुए, तो ये वो सेटलमेंट्स हैं जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू करा और अपने जो कहते हैं एनिमल्स को पालना शुरू करा, डोमेस्टिक एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया और उनको पेट बनाना स्टार्ट किया। सो अब हम क्लास स्टूडेंट्स में अगेन एरियाज को मार्क कर रहा हूँ, बरजुम, मेहरगढ़, चिरंद, कोलिंधवा, ठीक है, दोजली, हिल्दिंग, और ये सभी वो एरियाज हैं जहाँ पर लोग रहते थे और लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश किया। स्टूडेंट्स, आपने मैप में देखा था बरजुम नाम का एक एरिया था जो आज कश्मीर में है, वहाँ आपको लोगों ने ऐसे सेटलमेंट्स बनाए थे, वहाँ पर फार्मिंग की थी और कुछ ऐसे हाउसेस बनाए थे जो अर्थ के अंदर थे, मींस उन्हें हिंदी उन्हें गर्तवास कहा जाता था, धरती के अंदर हाउस बनाए जाते थे और लोग उस घर के अंदर रहते थे, वहाँ फूड ग्रेन को स्टोर करते थे और खुद भी वहाँ रहते थे। बिकॉज ऑफ दैट कश्मीर इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, सो लोग धरती के अंदर गड्ढा बनाते थे और बरजुम वहाँ रहते थे और लोग वहाँ पर जो चीज़ें पालते थे वो थी वीट, इंगल, डॉग, शीप, कैटल, बफेलो, ये सारे जो थे बरजुम कश्मीर में लोग पाला करते थे। ये जो कैटल्स थे वो लोग पालते थे ये, और वीट जो थी वो जो फसल थी वो लोग अपने ईटिंग के लिए यूज़ करते थे, उन्हें फूडिंग मटेरियल इन सभी चीज़ों से मिलता था। आप देख रहे होंगे मोस्टली सब जगह जो फूडिंग मटेरियल है वो सेम होगा, मिलेट, कैटल, शीप, गोट, कैटल, मिलेट, शीप, पिग, राइस,
और ये सभी आपको सब जगह आपको जो मटेरियल है, फूडिंग मटेरियल है, वो सेम मिलेगा। बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, सर्वाइवल के लिए लिमिटेड चीज़ें थी, और उन पे ही हमें हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइवल करना पड़ता था टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द ट्रेसेस द हट्स ऑफ द हाउसेस सम साइट्स फॉर बर्जियम कश्मीर में, वही पिट हाउसेस की जो हमने अभी बात की थी, जो अर्थ के अंदर होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए। वहाँ पर एशेस मिले हैं, कुकिंग के इक्विपमेंट्स मिले हैं अर्थ के अंदर, और वहाँ पर पैलियोलिथिक साइट्स हैं, कुछ नियोलिथिक साइट्स में मिले हैं, और वहाँ पर चीज़ें ऐसी ऐसे जो कहते थे टूल्स का यूज़ किया जाता था, या कह सकते हैं आज के ज़माने में हम बर्तन होते थे, या जो चीज़ें होती थी जिनमें फूडिंग कुकिंग की जाती थी, उन्हें काफ़ी पॉलिश किया जाता था, उनमें फाइन कटिंग्स होती थी, और जो स्टोन्स थे इस एज में वो भी काफ़ी, जो उनका शेप था बहुत ज़्यादा गुड हो गया था। आप देख रहे होंगे इसमें कुछ जो है पॉलिश्ड हैं, ये देखिए, ये आपको पॉलिश नज़र आ रहा होगा, या आपको सिर पे आपको बिल्कुल शार्प नज़र आ रहा होगा, और ये आपको जो कहते हैं कि आपको जो सिलपट्टा है, जो पुराने ज़माने सिलपट्टे में जो नमक पीसा जाता है पहाड़ में, उस चीज़ के लिए इनका यूज़ किया जाता था, और ये पॉलिश्ड इसीलिए किए जाते थे ताकि ये बहुत लंबे समय तक यूज़फुल रहें। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक जो पॉट है, ये पॉलिश्ड है, और इस तरीके की पॉलिशिंग काफ़ी रेयर है उस समय, ये इस तरह की पॉलिशिंग किस तरीके से की जाती थी, अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ की खोज कर रहे हैं। फॉर कुकिंग स्पेशली इन चीज़ों का यूज़ कुकिंग के लिए, राइस स्टोरिंग के लिए, वीट स्टोरिंग के लिए इस समय यूज़ किया जाता था, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्लॉथ का यूज़ करना भी शुरू किया। अब वो क्लॉथ कैसे बनाते थे, उस समय आपका जो कपड़ा था, जो कपड़े जिन चीज़ों से कपड़े बनते हैं, जिन चीज़ों से क्लॉथ्स बनते हैं, वो मटेरियल अवेलेबल नहीं थे, तो वो लोग क्या, आप जो एनिमल्स होते हैं उन्हें मार देते थे, और उन चीज़ जो आउटर स्किन है उसको सिल करके, उसको सीविंग करके उसकी, और उससे अपने क्लॉथ्स का अरेंजमेंट किया करते थे। व्हाट अबाउट द अदर कस्टम्स एंड द प्रैक्टिसेस, आर्कियोलॉजिस्ट डिडंट टेल अस डायरेक्टली, दीज स्कॉलर्स हैव द स्टडी lives of the present day farmers who practice simple agriculture, who studies the hardest of the many of the these tribes. Archaeologists hame koi bhi cheez direct nahi batate hain, ab wo in tribes ki lives ke upar study karte hain, ab wo study long times ki hoti hai, aur then uske baad wo assume karte hain, ye mostly jo cheeze hoti hain, these things are dependent on assumption or imaginations. ये मोस्ट ऑफ़ द थ्योरीज़ जो हैं अजम्पन्स पे डिपेंड होती हैं, या जो थ्योरीज़ हैं इनका जो बेस होता है वो इमेजिनेशन होता है, बस इमेजिनेशन करने का एक बेस होता है, जिस बेस पे इमेजिनेशन की जाती है वो बेस ये होता है कि जो प्रूफ्स आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड होते हैं उन प्रूफ्स का यूज़ किया जाता है, और उसी को बेस मानते हुए एक इमेजिनेशन की जाती है, एक थ्योरी क्रिएट की जाती है, और उसको बेस माना जाता है। ट्राइब्स यूजली 2 और 3 जनरेशन्स में जो था एक काफ़ी बड़ा जनरेशन गैप आ जाता है, और ये कि छोटा सा ट्राइब्स के बारे में है, इसे आप खुद से पढ़ लेंगे। और अब हम बात करते हैं अ क्लोजर रूप लुक टू लेइंग डाइंग इन द मेहरगढ़। अब हम मेहरगढ़ की बात करेंगे कि यहाँ के लिए बहुत क्लोज लुक लेंगे इस साइट का, मेहरगढ़ जो साइट जो मैंने आपको मैप में दिखाई थी। अगेन हम उस साइट का ओवरव्यू ले लेते हैं, मेहरगढ़। सो स्टूडेंट्स, आपको एक साइट दिख रही होगी, यही वो साइट है जो मेहरगढ़ है। यहाँ पर लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट्स बनाए, यहाँ पर लोगों ने फूड स्टोर किया। इन एरियाज़ में फूड को स्टोर किया गया और परमानेंट सेटलमेंट बनाए गए। जब हम किसी भी परमानेंट सेटलमेंट को बनाते हैं, जो हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। ये जो जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो सब आपने देखे होंगे, ये जो सभी सेटलमेंट्स हैं रिवर्स के नज़दीक बनाए गए हैं। सारे सेटलमेंट्स आपको रिवर के नज़दीक दिखेंगे,
और ये जो मेहरगढ़ का सेटलमेंट है ये भी इंडस रिवर सिविलाइजेशन के नज़दीक है। यहाँ पर इंडस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब आपस में मिलती हैं, और यहीं पर हम आपका आपको ये जो मेहरगढ़ है उसका जो मेहरगढ़ का जो वो है सिविलाइजे मेहरगढ़ की जो न्यू पेलियोलिथिक एज है वहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट्स थे उस एरिया में इस्टेब्लिश हुए, यहाँ पर लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट्स क्रिएट किए। दिस साइट इज़ लोकेटेड ऑन अ फर्टाइल प्लेन। ये जो साइट है मेहरगढ़ है ये एक फर्टाइल प्लेन पे के पास लोकेटेड है, और ये जो प्लेन है वो सिचुएटेड है नियर बुलन पास के। ये जो प्लेन है वो बुलन पास के नज़दीक सिचुएटेड है, और ये जो साइट है एक फर्टाइल प्लेन में स्थित है। जस्ट बिकॉज आपने देखा वहाँ पर फाइव जो रिवर्स थी एक दूसरे में आकर के मिल रही थी, और देन उसके बाद उन सब की एक मेन स्ट्रीम बन रही थी। तो इस तरीके से जब होता है जब सारी रिवर आपस में मिलती है तो वहाँ पर का जो प्लेन है वो जो प्लेन वहाँ पर बनता है ये एरिया काफ़ी फर्टाइल होता है। विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट टू ईरान। यहीं से आपके ईरान के लिए रूट निकलता था। मेहरगढ़ एक प्रोबेबली प्लेस था जहाँ मैन एंड वोमेन इन सभी ने सीखा था बार्ले को ग्रो करना। ये लोग बार्ले ग्रो करते थे, वीट को पालते थे, शीप और गोट इन सभी के जो फर्स्ट जो वो चीज़ें हैं फर्स्ट कह सकते हैं कि आपको प्रूफ मिले हैं वो इन्हीं एरिया से मिले हैं। अब हम विलेज के बारे में बात करते हैं कि विलेज क्या होता है। विलेज आपका एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर आपको बहुत डिस्टिंक्शिंग फीचर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल्स एक साथ रहते हैं और इनका जो मेन वर्क होता है वो फूड प्रोडक्शन होता है उनका जो मेन वर्क होता है वो फूड का प्रोडक्शन होता है, और ये सभी एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर को मैं शॉर्ट फॉर्म में AG लिख रहा हूँ, और ये सभी लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हु हैव एग्जीबिटेड द साइट्स एविडेंस मैनी काइंड ऑफ एनिमल बोन्स अर्लीस्ट लेवल दीज बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल सच एज डियर पिग इन द लेटर दे फाउंड बोन्स ऑफ द शीप गोट एंड स्टिल लेवल्स। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आपको डिफरेंट लेवल पे उन्हें बोन्स मिली हैं पिग्स की डियर की, एंड देन आफ्टर उन्हें जो बोन्स मिली हैं वो हैं गोट एंड शीप की, और इस तरीके से उन्हें लेटर लेवल बाय लेवल उन्हें बहुत सारी लेटर लेवलों पे उन्हें बहुत सारी जो बोन्स हैं एनिमल्स की वो मिली हैं, और इससे वो एक इमेजिनेशन बना रहे हैं इस बेस को बनाते हुए कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन लोगों ने इनको पैट एनिमल की तरह यूज़ किया होगा। अर्लियर द लेटर लेवल्स वेन द आर्कियोलॉजिस्ट आर द डिगिंग इन द extensive excavating site, how do they know the level is earlier or which is later? अब जो archaeologist हैं वो किसी भी site पे अगर farming मतलब sorry वो किसी भी site पे अगर visit कर रहे हैं या वो किसी site को देख रहे हैं तो वो उन्हें कैसे पता लगेगा कि कौन सा level 1 है, कौन सा level 2 है, कौन सा level 3 है। Suppose that the first level is starting on the flat land level layer 4. Over the year, the surface has gradually rise. The people discard the waste material, generally raise building houses. अब आप एक suppose कीजिए, एक short example से समझिए कि suppose कहीं पर कोई land थी, land mass था यहाँ पर, अब उसके बाद क्या हुआ, उस पर कुछ तूफान आए या हमने बाद में उस land mass किसी तरीके से दब गया, ऊपर से हमने houses बना दिए, then after ये जो process है students, ये कोई एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल का नहीं है, ये जो process है thousands of millions of year का process है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तब मान लेते हैं कि फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है। अब सपोज कीजिए पहले हम यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर हमारे हाउसेस थे, अब किन्हीं कारण इस जो सभ्यता है इसका अंत हुआ, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि ये जो लैंडमास है नीचे दब गया और उसके ऊपर दूसरा लैंड मास ने जगह ले ली। सपोज कभी होता है ऐसा कि आपने देखा होगा जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन होता है, जब कभी ऐसा फॉर्मेशन होता है कि लैंड मास नीचे धस जाता है और कुछ लैंड मास ऊपर आ जाता है, तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। तो जो लेयर्स हैं
जो सबसे अपर फाउंड की जाएगी, जो सबसे अपर फाउंड की जाएगी इस द लेटर टाइम ऑन द फाउंड द लेयर लेयर सिंस द अपर लेयर आर द लेयर अपर लेयर को अपर लेवल कहा जा रहा है और लोअर लेयर को लोअर लेवल कहा जा रहा है। अब आप देखिए मेहरगढ़ में जो हमारे हाउसेस हैं कितने ज़्यादा एडवांस हैं। ये हाउसेस लाइकली ऐसे हाउसेस हैं जैसे कि आज के हमारे हाउसेस होते हैं। मेहरगढ़ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेहरगढ़ में जो लोग जिनकी डेथ होती थी उनको इस तरीके से बनाया जाता वो करा जाता था कि जिनका बरियल होता था उसके साथ उनके साथ उनको गोट्स के वो भी रखे जाते थे। ये ह्यूमन स्केलेटल है, इसके साथ आपको बोट दिख रही हैं और कुछ इक्विपमेंट्स बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये ऐसा अजम्पशन किया जाता था कि आदमी अगर इन फ्यूचर अगली जन्म लेता है तो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये सब चीज़ें उसके साथ जिंदा दफनाई जाती थी। अ क्लोजर लुक टू देवोजली हेडिंग। ये देवोजली हेडिंग एक साइट्स है जो मैंने आपको मैप में दिखाई थी। ये ब्रह्मपुत्रा वैली के पास में है और ये चाइना और म्यांमार के स्टोन की क्लोजर है और यहाँ पर स्टोन टूल्स पाए गए हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे पाए गए हैं। यहाँ पर प्रोबेबली फूड ग्रेन्स भी उगाए जाते थे और ये जो थे स्टोन्स जो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि चाइना से लाए जाते थे और ऑल्सो कॉमन फाइंड टूल्स बहुत सारे फॉसल टूल्स जो थे वुड के द्वारा बनाए जाते थे। एल्सवेयर टर्की को अपने एटलस में फाइंड कीजिए और देखिए टर्की में सर्वर लोकेशन ग्रेट डिस्टेंस सीरिया रेड सी मेडिटेरियन सी ये सारी लोकेशंस आपको देखिए। उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ चीज़ नहीं थे, बुलक कार्ट्स नहीं अवेलेबल थे, तो ट्रैवल कितनी मुश्किल होती थी। आजकल के ज़माने में जहाँ आप सेकंडों में प्लेन से एक दूसरे से दूसरी जगह चले जाते हैं उस समय क्या मुश्किल होती होगी, आप उस चीज़ को सोचिए। और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे।